अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, किसकी हवा चल रही है इन दिनों? हर जगह, गली मोहल्ले से लेकर चौराहे से लेकर दफ्तरों से लेकर राजनीतिक रैलियों तक, अखबार और मीडिया में यही चल रहा है कि किसकी हवा चल रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन मेजॉरिटी से पार, यानी उनको जो उन्होंने अपने लिए टारगेट तय किया है 400 पार, क्या वो अचीव कर रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है और वो लीड कर रहे हैं? दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दोनों का दिख रहा है, लेकिन किसकी हवा चल रही है? दरअसल जनता की हवा चल रही है। अब ये देखना है कि जनता किसके साथ है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि हवा किसकी है। बहन भाइयों, इस देश की राजनीति में पिछले एक महीने में बड़े उठापटक हो चुके हैं। 19 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान था, उस वक्त के माहौल और अब के माहौल में काफी अंतर आ गया है। ये अंतर आप इस प्रकार भी विजिबल कर सकते हैं कि माहौल में अब गर्मी बहुत आ गई है, और जो विपक्ष थोड़ा पीछे हट रहा था, वो विपक्ष बेहद आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। परिणाम क्या होंगे, किसको कितने वोट मिलते हैं, किसको कितनी सीट मिलती हैं, ये एक बहुत अलग विषय है। लेकिन चुनाव बहुत रोमांचक हो गए हैं, और 2014 या 2019 की तरह ये कोई एकतरफा चुनाव नहीं है, और इस चुनाव में विपक्ष भी बहुत मजबूती से टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। बहनों भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी हवा चल रही है, उनकी हवा चल रही है, लेकिन जनता की हवा क्या कहती है? डेमोक्रेसी में एंड ऑफ द डे जनता क्या कहती है, ये महत्वपूर्ण होता है। हमें उस नब्ज को समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। आम आदमी, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इनके मन में क्या है? कारपोरेट, व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटा काम धंधा करने वाले, खुद के रोजगार सृजित करने वाले लोग, मजदूर, इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी क्या आकांक्षाएं हैं, और ये किस तरह की हवा चाहते हैं? क्या उस हवा को मौजूदा राजनीतिक दल उन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं, या फिर सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, या सिर्फ बड़े बड़े वायदे हो रहे हैं? सब कुछ खटाखट हो रहा है या सब कुछ टकाटक हो रहा है? इन दिनों राजनीति में और विशेष तौर पर बड़े नेताओं के भाषण में आपको इस तरह की चीजें बहुत मिलेंगी, लेकिन जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है? वो क्या बदलाव चाहती है, या फिर जनता चाहती है कि मोदी की अगुवाई में इस देश की कमान वो वापस उसे सौंपे? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही राजनीतिक प्रदेश है। यहां हर गली में दो नेता मिल जाएंगे। शायद पूरे देश में सर्वाधिक नेताओं और सर्वाधिक पॉलिटिकल लोगों का कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश है, और उसमें भी कोई कैपिटल है तो वह पूर्वांचल। पूरब के किसी भी गांव में चले जाएं, आपको तरह तरह का ज्ञान, जानकारी और विश्लेषण देने वाले लोग मिल जाएंगे कि आप खुद कई बार बेहोश होते होते बचेंगे कि आखिर इनको इतनी जानकारी है, आप तो फिर भी अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो पीएचडी किए हुए हैं। गांव-गांव ये हालत है, तो आप यहाँ किसी को प्रचार से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉलिटिकल इलाका है पूर्वांचल का, और इसकी 41 सीटों पर चुनाव है, जिसमें अवध की भी सीटें हैं, जो अभी जहां पर चुनाव होगा 20 तारीख को, अवध की 11, 4 बुंदेलखंड की सीटें हैं, 10 अवध की और 4 बुंदेलखंड की, 14 सीटों पर चुनाव है। अब हम किधर बढ़ रहे हैं? टिपिकल पूर्वांचल की तरफ। बहनों भाइयों, पूर्वांचल जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और जिससे छीनता है उसे भिखारी बना देता है। कई राजनीतिक दल इसके उदाहरण हैं, और कई राजनीतिक दल और नेता इसके गवाह हैं। वो आपको मौजूदा दौर में भी बड़ी खराब हालत में मिलेंगे, जो कुछ वक्त पहले इसी राज्य में हुकूमतें करते थे। ये है पूर्वांचल, यहां की तासीर बिल्कुल अलग है। पूर्वांचल क्या चाहता है, अवध क्षेत्र क्या चाहता है, बुंदेलखंड के मन में क्या है? क्या ये वही सोच रहे हैं जो पश्चिमांचल ने सोचा, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने सोचा? ये क्या वही सोच रहे हैं जो ब्रज क्षेत्र ने सोचा और किया? क्या ये वही सोच रहे हैं जो रुहेलखंड ने किया? या फिर इस क्षेत्र के लोगों की ओपिनियन सर्वथा अलग है? क्या है इधर के इश्यूज?
बहनों भाइयों, भौगोलिक विषय भी समझिए, राजनीति और भूगोल का आपस में बड़ा जबरदस्त तालमेल है। जो समृद्धता, जो खुशहाली, जो आर्थिक संपन्नता आपको पश्चिम में रुहेलखंड में दिखेगी, वो आपको पूर्वांचल में, अवध क्षेत्र के कुछ इलाकों में और बुंदेलखंड में नहीं दिखेगी। इधर विपन्नता है, उधर संपन्नता है। उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है और इनका पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इधर के लोगों को क्या चाहिए, इनके लिए रोजगार, काम पहली प्राथमिकता है, लेकिन हिंदू होना या मुसलमान होना भी इधर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उधर ये मुद्दा चले न चले, इधर इस मुद्दे के चलने की गारंटी दोनों तरफ से है। पूर्वांचल क्या चाहता है, कोर इश्यूज पर वोट करना चाहता है या उन इश्यूज पर जिन पर अब तक चुनाव हुए हैं? पूर्वांचल के मन में क्या है, क्योंकि यही वो 41 सीटें हैं जो तय करेंगी इस पार या उस पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को जबरदस्त सीटें और बहुमत, या फिर इंडिया गठबंधन को लाभ, क्लेम दोनों तरफ से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 80 में 80 जीतेंगे और वो कह रहे हैं कि एक छोड़ के सब जीत लेंगे। एक कौन सी, अखिलेश यादव कहते हैं क्योटो, कौन सी, बनारस वाली सीट, वो तंज कसते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होने वाला है, आज डिबेट में हम ये समझेंगे कि पूर्वांचल के मन में क्या है। उनके मन में मोदी हैं या उनके मन में राहुल और अखिलेश हैं? कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब कांग्रेस के एक नेता हैं और कोई सहयोगी दल भी है महाराष्ट्र में, जिन्होंने कहा हम अलग अलग प्रकार के प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो भैया, पांचवा चरण आने को है, बता दीजिए मंडे कौन होगा, ट्यूसडे कौन होगा, बृहस्पति को कौन बनेगा, शुक्र को कौन बनेगा, शनिवार को कौन बनेगा, महीने के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वो बता दे, जनवरी में कौन बनेगा, फरवरी में कौन बनेगा, साल के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो बता दे, 24 में कौन, 25 में कौन, बोले तो। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। अभी जो चरण बीता है इसमें 96 सीट में 43 सीट समता बीजेपी की थी और इस बार 17 सीट हमारे जोड़ने घटाने में बीजेपी की टोटल शायद मुश्किल से आ रही है। तो इंडिया गठबंधन तो आ चुका है, बीजेपी अब कहीं लड़ाई में नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की परचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर SBSP से हैं, सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नावेश शिको जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा।